पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के जाने माने और प्रसिद्ध YouTube न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज को बदनाम करने की नाकाम कोशिश किया जा रहा है। जांजगीर जिला से प्रकाशित होने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस नामक एक समाचार पत्र, जिनके संपादक राजेश छत्री हैं, बार बार भ्रामक जानकारी अपने समाचार में छाप रहे हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज एक कंपनी का नाम है, न कि किसी समाचार पत्र का। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज भारत सरकार के उद्यम मंत्रालय से पंजीकृत है। यहाँ आपको मैं कुछ खास जानकारी बताता हूँ। हमारे द्वारा जारी की गई प्रेस कार्ड के प्रथम भाग में कंपनी का नाम यानी कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज लिखा गया है। इसके बाद संवाददाता की जानकारी, फिर RNI नंबर लिखा गया है। ये RNI नंबर हमने पूर्व में न्यूज सर्किल समाचार पत्र यानी कि गुरु बक्षाणी नामक एक व्यक्ति से खरीदा है, जिसकी क्रय बिक्री का संपूर्ण दस्तावेज हमारे पास सुरक्षित है। न्यूज सर्किल से संवाददाता की जानकारी कार्ड के पीछे में दिया गया है। अब वेब पोर्टल की बात करें तो वेब पोर्टल और ISO हमारी कंपनी यानी कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के नाम से ही रजिस्ट्रीकृत है, जो डोमेन और ISO देने वाली कंपनी ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अगर प्रेस कार्ड जारी करने की बात की जाए तो RNI और MIB से पंजीकृत समाचार पत्र या चैनल को ही प्रेस कार्ड जारी करने का अधिकार होता है, लेकिन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी न्यूज चैनल चलाया जा सकता है, जिसके लिए भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। सोशल प्लेटफॉर्म में आप किसी भी नाम, स्थान या वस्तु के नाम से सोशल मीडिया चैनल संचालित कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के सभी दर्शकों से अपील है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें। हमारे कंपनी के नाम से गलत जानकारी और अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हेतु गृह मंत्री और राज्यपाल से मिलकर शिकायत की जा चुकी है, जिस पर जल्द ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।